In this video, guys, we are going to discuss about the window object. Window object is the top level object in JavaScript. और सारे के सारे बाकी की चीज़ जो आप यूज़ करते हो जावास्क्रिप्ट में, वो सब विंडोज़ ऑब्जेक्ट के अंडर में आता है. ठीक है, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इट्स कॉल्ड डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसमें सारा का सारा HTML रहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. उसी को आप मैनिपुलेट करते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट, आई एम सॉरी. तो वो भी विंडोज़ ऑब्जेक्ट के अंदर ही आता है. सो विंडोज़ ऑब्जेक्ट के अंदर यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई क्विकली शो इट टू यू. So if you go back to your browser, or let's say if you do console.clear, yahan par if you type window, this is the object. If you hit enter, you get this object, right? This is the main object, and you would find almost everything that you use in JavaScript over here. Okay, jaise ki aap wo alert function jo use karte ho, wo bhi windows object ka hi part hai. Theek hai, then main thoda aur niche jaake aapko dikhata hu. There are so many things. Like there is clear interval, clear timeout, there is close, आपका window close करने के लिए. Then we have the document, this is the DOM जिसके बारे में मैं बात कर रहा था. इसके अंदर you would see आपका सब कुछ आ जाएगा, like you would see the body tag, everything that you have in your document as in HTML document, you can see it here. ठीक है, so ये भी इसका part है. Then we have the fetch function जिसको use करके आप AJAX request करते हो. Then we also have these properties, inner height, inner width, जो बताता है कि इस पॉइंट पे आपका ब्राउजर का width कितना है, height कितना है. Then you also have this local storage, जो बहुत सारी websites use करती है. I'll show it to you. This is local storage. Then there is location. यहाँ पर आपका URL related चीज़ें मिलती हैं आपको. Okay? फिर आप अगर और नीचे जाओ तो you would find out the navigation object. इसमें आपको ब्राउजर रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी. इनफैक्ट अगर आपको लोकेशन पता करना है यूज़र का कि वो कहाँ पर ज्योग्राफिकली लोकेटेड है, आप इसको यूज़ कर सकते हो. इनफैक्ट मैं आपको दिखाऊंगा. देन वी ऑल्सो हैव, यू कैन सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दे आर अवेलेबल. एंड देन वी हैव स्क्रोल एक्स स्क्रोल वाई टू टेल यू कि अभी यूजर ने कितना स्क्रोल किया. आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट स्क्रोल करने के बाद एक पॉपअप देती है, उस तरह की चीज़ है. देन वी हैव सेशन स्टोरेज. ओके, देन वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स. एक्चुअली अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, और हम लोग इसको इन पूरे कोर्स में धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज इन दिस वीडियो आई विल गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन टू द विंडो ऑब्जेक्ट एंड वी विल ट्राई टू लर्न कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, तो मैंने एक लिस्ट बना के रखा है बिकॉज देर आर क्वाइट अ लॉट थिंग्स. सो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, जैसे कि द अलर्ट फंक्शन. एक्चुअली ये अलर्ट फंक्शन का एक्चुअल सिंटेक्स इज दिस, विंडो डॉट अलर्ट. एक्चुअली दिस इज द मेन सिंटेक्स दैट यू शुड यूज, बट ऑब्वियसली जरूरत नहीं पड़ता तो वी डोंट डू इट. नाउ इफ यू रीलोड यू वुड सी हेलो प्रिंट हो रहा है. ठीक है, सिमिलरली विंडोज़ डॉट कंसोल होता है, राइट, विंडोज़ डॉट कंसोल डॉट लॉग होता है, और इसको अगर आप रन करोगे तो यू वुड सी हेलो, राइट. सो ये सारे फंक्शन जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे, ये अभी से यू ऑलरेडी नो कि ये विंडोज़ ऑब्जेक्ट का पार्ट है. ठीक है, देन वी हैव प्रॉम्प्ट, ये भी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले. प्रॉम्प्ट, राइट, ये प्रॉम्प्ट भी सेम ही चीज़ है, विंडोज़ का ही पार्ट है ये. यू कैन टाइप समथिंग. देर इज़ वन मोर थिंग, कन्फर्म, ये आपने कुछ वेबसाइट्स में देखा होगा, आई शो यू. जैसे अगर आपको यूज़र ने लॉग आउट किया तो आप उससे पहले पूछना चाहते हो कि आर यू श्योर, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट दिस कोड, इफ विंडो डॉट कन्फर्म, और यू कैन डायरेक्टली राइट कन्फर्म इफ़ यू वॉन्ट टू, कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड यहाँ पे यू कैन राइट डू यू रियली वॉन्ट टू प्रोसीड क्वेश्चन मार्क, राइट. अगर उसने हाँ बोला तो आई एम डूइंग अ कंसोल लॉग ऑफ यस, और अगर उसने ना बोला तो आई एम डूइंग अ कंसोल लॉग ऑफ नो, लाइक दिस. ओके, सो आई रीलोड माई पेज एंड आई शो यू ये कैसे काम करेगा. सो ये देखो, यहाँ पर इस तरह का आपने कभी कभी कुछ फाइल्स में देखा होगा.
सो डू यू रियली वॉन्ट टू प्रोसीड, अगर आपने ओके किया तो येस प्रिंट हो गया, ठीक है. आई रीलोड इट वन मोर टाइम, और इस बार मैंने कैंसिल किया, नो प्रिंट हो गया, ठीक है. सो ये भी अगेन विंडो ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है, ठीक है. सो हमने ये तीन चार चीज़ें देखी. नेक्स्ट इज कंसोल. सो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, आई शो यू ये क्लोज कैसे काम करता है. तो यू वुड राइट विंडो डॉट क्लोज, और यू कैन डायरेक्टली राइट क्लोज, वो भी चलेगा, क्लोज. सो वॉट दिस विल डू इज दिस विल क्लोज द विंडो. लेट मी शो यू. सो अगर आप इसको रीलोड करो, अगर आप ओके पे क्लिक करो, ये देखो विंडो क्लोज हो गया, ठीक है. सो दैट इज हाउ क्लोज वर्क्स. तो ये सारी चीज़ें विंडोज के अंदर हैं. देन यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट इनर हाइट एंड विड्थ. सो वॉट वी कैन डू इज वी कैन राइट अ कोड, इफ इनर हाइट इज लेस देन आई डोंट नो 200, देन क्लोज. हाइट यहाँ पर वी वुड क्लोज इट. सो मैंने एक कोड लिखा कि अगर विंडो का हाइट 200 से कम हो जाएगा तो विंडो बंद कर दो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट. सो आई विल हैव टू रीलोड दिस पेज. सो आई विल ओपन इट अप एंड यू कैन सी दिस इज इट. एंड व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट ट्राई टू रिड्यूस इट, एंड यू वुड सी आफ्टर वन पॉइंट एक काम करते हैं, लेट्स डू अ कंसोल. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट कंसोल, और रादर लेट्स डू अ कंसोल डॉट लॉग ऑफ इनर हाइट. ओके, देखते हैं इनर हाइट कितना है. सो आई विल जस्ट ओपन अप कंसोल एंड आई विल रीलोड. राइट नाउ इट्स 663. सो व्हाट आई विल डू इज आई वुड जस्ट डू दिस एंड आई विल रीलोड. सो इस पॉइंट पर भी इट्स 271. थोड़ा सा और रीलोड करते हैं एंड यू थिंक यू कैन सी विंडो क्लोज हो गया, ठीक है. सो उससे छोटे में अगर कोई खोलने का ट्राई करेगा, खुलेगा नहीं, क्लोज हो जाएगा, ठीक है. सो दैट इज इनर हाइट. सिमिलरली यू कैन हैव इनर विड्थ. सो फिलहाल के लिए मैं ये कोड हटा रहा हूँ. सो यू कैन ऑल्सो हैव इनर विड्थ. ओके, इनर विड्थ विल गिव यू, ओके सो आई हैव क्लोज इट अगेन. सो इनर विड्थ विल गिव यू द विड्थ ऑफ योर पेज, ठीक है, लाइक दिस. कंसोल 1366. ओके, इसको मैं रीलोड करता हूँ. 759 एक्चुअली, ठीक है. सो 759 क्यों है, क्योंकि बाकी में ये हमने कंसोल ओपन करके रखा है. देर इज़ वन मोर थिंग, देर इज़ अ थिंग कॉल्ड आउटर विड्थ. ये आपका कंप्लीट विंडो का विड्थ बताएगा, ठीक है. कंसोल डॉट लॉग आउटर विड्थ, यू वुड सी दोनों में एक डिफरेंस होगा, आउटर विड्थ और इनर विड्थ में. सो आई विल रीलोड दिस पेज. यू कैन सी आउटर विड्थ इज 1336, पूरा का पूरा ब्राउजर विंडो, ठीक है. और 759 क्या है, जितने में आपका वेबसाइट अभी खुला हुआ है. सो अगर मैं इसको और कम करूं तो भी यू वुड सी कि वो 1336 है, बट ये चीज 449 हो गया, ठीक है. अगर मैं इसको पूरा कम करूं, आई विल जस्ट डू दिस. नाउ यू कैन सी 151 और 625. तो आई गेस यू गेट द आइडिया कि किसको इनर विड्थ बोलते हैं, किसको आउटर विड्थ बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, हमने इनर हाइट आउटर हाइट ये सब पढ़ लिया. स्क्रोल, राइट. स्क्रोल क्या करता है, स्क्रोल के लिए व्हाट आई विल डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट ऐड डेव इन माय एचटीएमएल एंड आई वुड गिव इट अ स्टाइल ऑफ मार्जिन टॉप ऑफ लेट्स से 2000 पिक्सल्स. ओके, 2000 पिक्सल्स का मैंने दे दिया. और व्हाट आई वुड डू नाउ इज आई वुड रीलोड दिस पेज एंड यू कैन सी यहाँ पर आई कैन स्क्रोल, ठीक है. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट गो टू माय ऐप डॉट जे एस एंड ओवर हियर आई विल प्रिंट आउट कंसोल डॉट लॉग, आई वुड प्रिंट आउट विंडो डॉट स्क्रोल वाई एज इन वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आ रहा है, ठीक है. सो देखना एक बार, मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ. मैंने थोड़ा सा स्क्रोल किया और मैंने एंटर मारा, ये देखो अभी आप 582 पर हो, ठीक है. आई गेस आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है. ओके, सो दैट इज़ हाउ यू मेजर
स्क्रोल वाई. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो डू अ स्क्रोल एक्स. एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने कितना स्क्रोल किया. ठीक है. नेक्स्ट वुड बी द लोकेशन ऑब्जेक्ट. सो लोकेशन ऑब्जेक्ट भी बहुत काम की चीज़ है. आई विल फर्स्ट शो यू लोकेशन ऑब्जेक्ट दिखता कैसा है. तो वी वुड राइट विंडो डॉट लोकेशन एंड दिस लोकेशन ऑब्जेक्ट कंटेन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक योर होस्ट नेम. होस्ट योर होस्ट नेम दिस href मतलब दिस इज द प्रॉपर यू आर एल. द ऑरिजिन द पाथ नेम ऑफ द फाइल द पोर्ट द प्रोटोकॉल http. देन वी हैव दिस रीलोड फंक्शन जिससे आप रीलोड कर सकते हो. देन वी हैव रिप्लेस. देन वी हैव टू स्ट्रिंग. तो वॉट आई विल डू इज आई जस्ट शो यू टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स. फर्स्ट आई शो यू हाउ टू रीलोड द पेज. सो अगर आप ये कोड लिखो लाइक इफ यू राइट विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड. ओके. सो वॉट दिस विल डू इज यू कैन सी. देखो ये कंटिन्यूसली रीलोड हो रहा है. देख रहे हो ये कंटिन्यूसली रीलोड हो रहा है क्योंकि बार बार सेम कोड एग्जीक्यूट होता जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज विंडो डॉट I'll just print it out. So I would write console.log and I would print out window.location.href. Okay, so what this will do is this will give me the URL of this page. See, this is the URL. But what you can do is you can set it to some other URL and it will redirect the thing. Because it is an object, you can redirect it, right? So what I will do is I would write this code. Window dot location dot href is equal to I would write https://google.com. okay, and you would see kya hoga. Jaise aap is page ko load karoge you would be redirected to google.com. mere paas abhi internet nahi hai, otherwise हम गूगल पे चले जाते हैं. ठीक है. तो जैसे आप ए टैग यूज करते हो रीडायरेक्शन के लिए एचटीएमएल में, सिमिलरली यू कैन यूज दिस सिंटैक्स टू रीडायरेक्ट फ्रॉम वन पेज टू अनदर. ठीक है. सो आई गेस विंडो ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, लोकेशन ऑब्जेक्ट समझ में आ गया. नाउ लेट्स डू हिस्ट्री ऑब्जेक्ट. ओके. फॉर द हिस्ट्री ऑब्जेक्ट व्हाट वी कैन डू इज आई कैन जस्ट गो टू सर्टेन वेबसाइट्स. ऑल्दो ये मेरा काम नहीं करेगा. google.com facebook.com आई डोंट नो, इंटरनेट नहीं है तो ये काम शायद ना करे. twitter.com आई डोंट नो ये काम करेगा नहीं कि नहीं करेगा. आई डोंट नो. सो व्हाट आई विल डू इज आई वुड राइट दिस विंडो डॉट दिस थिंग इज नोन एज हिस्ट्री डॉट गो. और यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप -1 डालोगे तो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द लास्ट वेबसाइट दैट यू हैव ब्राउज. इसके जस्ट पहले आपने जो वेबसाइट ब्राउज किया. तो एक बार ट्राई करते हैं. सो अगर मैं इसको रन करूं तो या इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज हमने ये वेबसाइट्स एक्चुअली ब्राउज नहीं किए हैं. बट अगर आप इंटरनेट पे जाकर के इन वेबसाइट्स को ब्राउज करो. अभी मैं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ एक्चुअली, मैं भूल गया कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है. सो आई कैन नॉट डू दैट. सो या यू कैन डू दिस. Once you will do this and you will write this code, you will be redirected to the last website that you have visited. Okay? So, एक बार ये try करके देखना. और you can actually check out कि आपके history में, current history में कितनी websites हैं by finding out history dot, if I am correct, its length. ठीक है? और इस चीज़ को हम लोग print करते हैं. So, I would write console.log like this. And if we reload this, inspect console, there is only one. Probably it's the same website जो हम जिस पर हम अभी हैं. ठीक है. लेकिन अगर आप और websites visit करके यहाँ पर आओगे तो वो number आपको ज़्यादा मिलेगा. ठीक है. Next one is the navigator object. This is interesting. Guys, in fact, let me do one thing. I'll turn on the internet. So I'll just pause the recording for a while. So now guys, I'm connected to internet. So what I will do is I'll reload all of these websites. Google, Facebook. I'll also go to Twitter. Okay. So ye sari websites main visit kar raha hu. Okay. Now I'll go back
एंड दिस इज द कोड विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट लेंथ. लेट्स सी अब कितना आता है. सो अभी भी एक ही आ रहा है. सो आई क्लोज दिस एंड लेट इट लोड. सो या लेट्स ट्राई इट वन मोर टाइम. सो आई गो बैक टू इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एंड आई ओपन अप एंड इंस्पेक्ट एंड स्टिल सेज वन. ओके सो एक काम करते हैं, ये वाला चीज ट्राई करते हैं. वॉट वी वुड डू इज वी वुड राइट विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट गो लेट्स टू माइनस वन एंड लेट्स सी इज इट वर्किंग और नॉट. It's not working. Somehow it's not working. I'll try it over here. And what I will do is I'll just Google for something. Let's say Kolkata. I'll search for Kolkata. Then I'll go to some websites like this. Then I'll go to some other website by clicking on some other thing. And now I'll just write window.history.length. It's still giving me one. I don't know why. It should give me at least 3-4. Windows.history.go and I would write minus one and it's undefined. Okay, so there is some issue guys. I'll just figure it out. Meanwhile, what we can do is we can go on to the navigator object and I'll show you the navigator object. So I'll just first clear this console.log. And what I will do is I'll write window.navigator, right? So this is the object and you can get a lot of information here. Like you can get the app code name Mozilla, app name Netscape, it's a browser, matlab old browser, app version, clipboard mein agar kuch copied hai toh I guess, connection, so there is 3G connection. Then we can get credentials में I don't think कुछ खास है. Geolocation is interesting, अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे. Keyboard में you can find out the language that we have. Okay. Then we can have media capabilities, which is an object. Right now it's empty. Permissions, platform we can have. And user agent, as in आपका कौन सा browser use कर रहे हो, vendor कौन सा है, ये सब आप फेच कर सकते हो. ठीक है, सो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट्स कंप्यूटर, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है. ये विंडोज प्लेटफॉर्म से आपको पता चल जाएगा दैट ही इज यूजिंग अ दिस विंडोज मशीन. ओके सो दीज आर अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू कैन डू यूजिंग द नेविगेशन ऑब्जेक्ट. नाउ आई विल क्विकली शो यू हाउ कैन यू फेच यूजर्स लोकेशन. ठीक है, सो व्हाट यू विल डू इज, यहाँ पे देखते हैं एक बार. व्हाट यू विल डू इज यू वुड राइट कंसोल dot log and you would write window dot navigator dot geolocation. Okay, dot get current position. Okay, get current position, or this would require a callback function. So you would write function data and over here you would just console. Actually aapko itna karne ka zarurat nahi tha, so just I'll just take one second and I'll just clear up this code. So you have to write it like this: window dot navigator dot geolocation dot get current position. And this would require a callback function. So or isko ek data milega. And in here you would write console dot log data. Right? That's the code, guys. Okay. So jaise aap is code ko run karoge, you would see this. See, अगर आपने what I will do is I'll copy this URL and I'll open it up in incognito so that मैं आपको दिखा पाऊँ आपकी मशीन में कैसा दिखाई देगा. So the first time okay, so there is some issue with this. It will ask कि आपका location access करना चाहता है. अगर आप yes बोलोगे तभी ये काम होगा. जैसे मैंने past में yes कर रखा है. ठीक है, तो I'll go back
एंड आई वुड जस्ट रीलोड दिस एंड आई शो यू कि क्या मिला मुझे. सो इफ़ यू क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे देखो आपको कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, ठीक है. एंड कोऑर्डिनेट्स में यू आर गेटिंग द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वैल्यू. कुछ केसेस में यू ऑल्सो गेट एल्टीट्यूड, हाइट कितना है, बट वो अभी नहीं मिल रहा. यू कैन ऑल्सो गेट द टाइम स्टैम्प, टाइम क्या है उस जगह पे. और इसको यूज करके यू कैन सेंड दिस डेटा टू गूगल मैप्स API एंड यू कैन एक्चुअली फेच कि वो बंदा अभी कौन से लोकेशन में, ठीक है. तो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स यूज दिम, ठीक है. जोमैटो, स्विगी, इस तरह की वेबसाइट्स इसको बहुत यूज़ करती हैं, तो बहुत काम की चीज़ है, ठीक है. तो एक बार इसको ट्राई करके देखो. ऑल दो हम इसको अभी API में नहीं भेज रहे हैं, सो वट आई कैन डू इज आई कैन क्विकली शो यू कि ये क्या दिखा रहा है. तो आई ओपन गूगल, देखते हैं ये मेरा सही लोकेशन दिखा रहा है कि नहीं. गूगल मैप्स एंड आई विल जस्ट गो हियर एंड आई विल पेस्ट माई कोऑर्डिनेट्स. सो आई विल पेस्ट इट लाइक दिस, पेस्ट एंड ऑल्सो पेस्ट दिस, ओके एंड कॉमा दिस एंड आई हिट एंटर एंड इट शुड शो पटना बिकॉज आई एम इन पटना, ओके. सो आई डोंट नो कौन बंदा है ये, बट या इट्स सेज पटना एंड ऑल. तो इट्स नॉट एग्जैक्टली वेयर आई एम करेंटली, बट दिस इज शोइंग द सेम सिटी. तो एटलीस्ट आपको एज अ वेब डेवलपर यूजर का सिटी समझ में आ सकता है, ठीक है. तो दैट्स इट गाइज, मैंने आपको एक रफ इंट्रोडक्शन दिया अबाउट द विंडोज़ ऑब्जेक्ट. इसको हम लोग आगे भी बहुत यूज़ करेंगे अलग अलग चीज़ों के लिए. सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस कि विंडोज़ ऑब्जेक्ट इज़ द टॉप लेवल ऑब्जेक्ट. सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में इसके अंदर ही आती हैं एंड दैट इज़ वाई वी यूज़ इट अ लॉट, ओके. सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.